हैं और एक फिल्म को लेकर के यहाँ पर कंट्रोवर्सी का जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धर्म को आहत करने वाला फिल्म है तमाम। जो देखिए डायमंड सीट है और यहाँ पर देखिए हनुमान जी की एक जो आदि पुरुष मूवी थी उनको कैसी लगी है? कलेवर में डाले हैं इसको। इसमें लैंग्वेज की भी बात है, तू तकार का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, उसको 3 घंटे में दिखाया। क्या बोलूं, जो रामानंद सागर वाली थी उसमें से कोई इतना रेटिंग आप देना चाहेंगे 5 में से? ओम राउत अगर सामने होते तो शायद चप्पल खींच के उनको मारता। नमस्कार, इसमें हम लोग बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में हैं और एक फिल्म को लेकर के यहाँ पर कंट्रोवर्सी का जो बाजार है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं एक मॉल में जहाँ पर कि सिनेमा को प्रसारित किया जा रहा है। और देखिए ये आपकी फिल्म है आदि पुरुष जो कि 16 जून 2023 को रिलीज होती है और ये आपका हिंदी, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम इतने भाषाओं में प्रसारित की गई है। तो जैसा कि हम लोग यूपी में हैं तो यूपी में हिंदी भाषा को ही प्रसारित किया गया, तो हिंदी भाषा में 2D और 3D दोनों है, तो 3D पर ज़्यादा लोगों का फोकस है। और हम लोग इस बात को लेकर के यहाँ पर चर्चा करेंगे जो कंट्रोवर्सी को लेकर के है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर दावा है कि जो पुरानी रामायण थी उससे हट करके इसको बनाया गया, इसमें VFX का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि धर्म को आहत करने वाला फिल्म है। तमाम संगठन इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं कि इसको इस फिल्म को लेकर के कि इस फिल्म को बैन किया जाए। तो यहाँ पर पब्लिक का क्या रिएक्शन रहने वाला है उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि सभी जितने भी सिनेमाघर हैं सभी सिनेमाघरों में एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ हम लोग आपको चलेंगे इस मॉल के अंदर, सिनेमाघर के अंदर, उस चीज़ को भी दिखाएंगे कि कौन सी सीट जो है छोड़ी गई है हनुमान जी के लिए। जैसा कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान का वास है, उसी के संदर्भ में इस सीट को छोड़ा गया है। जैसा कि जो फिल्म के प्रोडक्शन का कहना है कि सभी जितने भी सिनेमाघर पूरे ऑल इंडिया में जितने भी सिनेमाघर चल रहे हैं सभी सिनेमाघरों में एक सीट को रिक्त रखने के लिए कहा गया है क्योंकि उस पर हनुमान जी विराजमान रहेंगे। क्या कुछ है पूजा पाठ का क्या कार्यक्रम वो भी हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा दिखा दें कि यहाँ पर जैसा इनका कहना है कि जो इसमें फिल्म का जो शेड्यूल है पूरी तरह फुल सीट फुल चल रही हैं और कंट्रोवर्सी का बाजार भी गर्म है। देखिए तमाम जो अलग अलग रेट हैं वो आप देख सकते हैं, 3 भागों में बांटा गया है इसको और लगभग सभी में आदि पुरुष ही लगा है। केवल एक मूवी द प्लस और जराहट के केवल दिन में एक एक शेड्यूल RD 1-2 में लगा है और बाकी इनका रेट भी देख सकते हैं रेट लिस्ट। और इसे हम लोग चलेंगे यहाँ से अंदर और जो कि जो फिल्म के अंदर का जो हॉल के अंदर का भी सीन दिखाएंगे। उसके बाद जो पब्लिक इस मूवी को देख करके निकल रही है उनका क्या सोच है और उन्होंने आउट ऑफ 5 में से कितने रेटिंग देने वाले हैं इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग हैं हॉल के अंदर और इसमें देखिए मूवी जो है कि आदि पुरुष चल रही थी और देखिए ये सीट जो देखिए डायमंड सीट है और यहाँ पर देखिए हनुमान जी की एक जो है इनके लिए एक सीट छोड़ा गया है। जैसा कि सभी सिनेमाघरों को गाइडलाइन दिया गया है कि एक सीट इनके लिए छोड़ा जाए और देखिए पूजा करके जो है कि सुबह सुबह ही यहाँ पर देखिए फूलमाला वगैरह भी चढ़ाया गया है और ये आप चीज़ें देख सकते हैं। और पिछले लोग आपको रिव्यू भी लेकर के दिखाने वाले हैं कि कैसी मूवी है और आउट ऑफ 5 में से कितने रेटिंग वो यहाँ पर देने। तो देखिए जो मूवी है वो छूट चुका है इस समय। देखिए तमाम जो लोग निकल रहे हैं इनसे हम लोग जाने का प्रयास करेंगे कि जो आदि पुरुष मूवी थी उनको कैसी लगी है। मूवी देखा है, कैसा लगा आपको? ठीक लगा। हाँ तो जैसा इसमें कंट्रोवर्सी जैसा चल रहा है, जैसा लोग बता रहे हैं कि एकदम रामायण का मजाक बना दिए, आपको कैसा लगा है? कुछ तो ऐसा लगा हमको भी। हाँ। नए कलेवर में डाले हैं इसको जी। तो कितना रेटिंग देना चाहेंगे, 5 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 3 रेटिंग देंगे। हाँ। 3। ये लोग भी आदि पुरुष मूवी देकर निकले हैं तो कैसा लगा आपको, कितना रेटिंग देना चाहेंगे 5 में से? अरे मूवी बहुत बढ़िया थी, 5 में 5। जैसा लोग कह रहे हैं कि रामायण का मजाक बनाया गया है तो आपको क्या लग रहा है इसमें मूवी को देख करके? नहीं नहीं मजाक क्या बना रहेगा, सब इफेक्ट्स है। नहीं उसमें नहीं कहें कि लोग जो है कि उड़ा दे रहे हैं उसमें हनुमान जी को, मतलब इसमें बानरों को पहुंचे उस समय लैंग्वेज की भी बात है, तू तगार करके कुछ बातें बोल रहे हैं सर। उस समय की टेक्नोलॉजी कुछ और थी, वो उस समय अपने टेक्नोलॉजी में वो सब दिखाए, वो लोग दिखाए और इस समय नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो लोग अपने टेक्नोलॉजी में दिखा रहे हैं। तो उसमें कितना रेटिंग आप देना चाहेंगे 5 में से? सर 5 में रामायण इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, उसको 3 घंटे में दिखाया भी नहीं जा सकता। और मूवी वैसे थोड़ी सी वो लगी थी, मतलब उस पर ट्रू फैक्ट नहीं दिखाए जा रहे थे, लाइक स्टार्टिंग से जो हो रहा था, फिर राम जी का सुग्रीव से मिलना और सीता जी का हरण होना, लाइक वैसा तो वो जैसा हम लोगों ने बुक में पढ़ा है या पहले जो रामायण आता था बचपन में वो दिखाया गया था वैसा नहीं दिखाया गया। हनुमान जी के रोल को भी थोड़ा सा अलग सा दिखाया गया, उनकी मूछ नहीं दिखाई गई है बेसिकली ऐसा। सबसे बड़ी बात, राम जी को जन्म को दिखाना जरूरी था, राम जी को जन्म नहीं दिखाया गया, सबसे बड़ा बात। मतलब सीधे जो है कि जवान से ही बस यार, सबसे बड़ा बात राम को जन्म को दिखाते कम से कम वो अच्छा होता सर। मैडम सुनिए, आपको कैसी लगी ये मूवी?
क्या बोलूं, जो रामानंद सागर वाली थी उसमें से कोई सीन ऐसा मैचिंग नहीं था। मुझे तो नहीं, सही अच्छा लगा। तो मैं पांच में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? मेरे जीरो। अच्छा, चलिए आप क्या कहेंगे भाई साहब? सर 0.01 स्टार रेटिंग दूंगा। मेरे आँख से सोन में आ रहा हूँ, मैं सोया हूँ। मेरे राम को इन्होंने बदनाम किया है इस मूवी में। मेरे राम, मेरे आदि पुरुष को इन्होंने बदनाम किया है। इस आदि पुरुष नाम की चीज़ इसमें नहीं दिखाई गई है। इसमें आज का जो युवा है, आज के जो लोग हैं, जो कैरेक्टर है, वो दिखा रहे थे ये यहाँ पे। एकदम कहीं से भी ये रामायण नहीं था। अगर शायद रामानंद सागर जी जिंदा होते तो ये देख के मर जाते। ये मूवी इस तरीके से बनाई गई। कितना रेटिंग आप देना चाहेंगे पांच में से? 0.001। ओम राउत अगर सामने होते तो शायद चप्पल खींच के उनको मारता मैं। चप्पल खींच के वो मार खाने वाला काम किए हैं। मेरे राम को, मेरे हनुमान जी को उन्होंने बदनाम किया है। कहीं से भी ये राम राज्य इन्होंने नहीं दिखाया। अगर लंका को ये दिखा रहे तो सोने की लंका बहुत सुंदर थी ये लंका, उस लंका को भी इन्होंने काला काला दिखाया है। कोयले की लंका दिखा के फिर से जला रहे हैं, लकड़ी का कोयला जलवा रहे थे क्या आप? तो मूवी कहीं से भी किसी भी प्रकार से ये मूवी नहीं थी। ये एक सीरियसली मजाक बनाया गया था हमारे पैसे को वेस्ट करने के लिए। ये सिर्फ पैसे का वेस्ट हुआ है। और मैं पब्लिक से ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इस मूवी को न देखें। क्योंकि आप अगर मूवी देखते हैं तो हमारे राम और हमारे हनुमान जी का आप सिर्फ इंसल्ट देखेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं देखेंगे। तो देखिए, इन्होंने बताया इस मूवी को लेकर के कि जैसा सर का कहना है कि इंसल्टेड ही केवल फील होगा आपको। मैडम, आपको कैसा लगा मूवी? सर, सबका रिएक्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है इस मूवी से ज्यादा हमारे 4-5 के बच्चे ज्यादा अच्छा जानते हैं। जो रामायण के बारे में बिल्कुल कोरोना ने बहुत अच्छी चीज सिखा के गई है। बच्चे इससे अच्छा जानते हैं, अच्छे संस्कार हैं। ये मूवी पैसा वेस्ट है। तो इसमें आपको सबसे बुरा सीन क्या लगा, जो कि मतलब हट करके एकदम मतलब सबसे बुरा ही मतलब लगा है वो मूवी में? मूवी चल रही है, पब्लिक सो रही है, ये बहुत ही बुरा था। चूंकि राम जी का नाम लिया जा रहा था तो भी नहीं सोना चाहिए था जनता को, लेकिन पब्लिक सो रही थी, वो बड़ा बुरा लगा। जैसा कि यहाँ पर एक सीट को जो है हनुमान जी के लिए छोड़ा जा रहा है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, सर ने सही कहा कि पूरी सीट ही खाली है। तो आप कहीं भी हनुमान जी को बैठा लें, मुझे नहीं लगता कि नहीं आएंगे। ये मूवी देख के हनुमान जी भी नहीं आएंगे, हो सकता है यहीं आग लग जाए। हनुमान जी यहीं आग लगा दें, हनुमान जी भी देखने नहीं आएंगे, क्योंकि हनुमान जी का ही हालत खराब हो जाएगा मूवी देख। चलिए देखिए कुछ और। सबसे प्रसिद्ध हुआ है यहाँ से जो कर जाए ना, यहाँ से जाकर अपने भले यूट्यूब पे फुल HD में रामानंद सागर जी का रामायण देखेंगे। वो भी शुरुआत से, मतलब इससे अच्छा आपको रामानंद सागर की रामायण लगी? रामानंद सागर बहुत अच्छा है सर। इससे अच्छा तो कार्टून बना था, जो आज फ्रांसिस कंपनी बनाई थी, इससे अच्छा बनाई थी सर। चलिए देखिए लोगों का रिएक्शन, आप यही चीजें हैं। बाकी भाई साहब का कहना है कि टोटल जो है कि ये कार्टून में तब्दील कर दिया गया अपने रामायण और हनुमान जी को, उसको लेकर के तमाम लोगों का कहना है कि इंसल्टेड भी फील हो रहा है। और जैसा कि इस समय एक सीट छोड़ा भी गया हनुमान जी को लेकर के, तो उनका कहना है कि कहीं भी बैठा दीजिए, पूरा सीट ही तो खाली है। 2-4 लोग 10 लोग तो केवल देख ही रहे हैं पूरी मूवी को। तो ये मूवी भी जैसा कि इन लोगों का रेटिंग के हिसाब से कहना है कि ये मूवी धड़ाम होने वाली है। बस कल संडे का वक्त और बचा है, संडे के बाद ये मूवी आपको जो देखने पर धराशायी दिखेगी, उसके बाद किसी भी हॉल में ये मूवी लगने वाली नहीं है।